ये शिव महापुराण कोई साधारण नहीं है। शिव मृत्युंजय हैं। अगर कोई रोगों को मुक्त करने वाला कोई देवता है तो वो शंकर है, वो शिव है। महंकाल अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, उसका बाल बांका नहीं होता। शिव की कृपा ऐसी। चंचुला पति का संग देने वाली, या पति धर्मात्मा है तो वो भी धर्मात्मा, बहुत स्मरण करने वाला, ये भी स्मरण करने वाली। पर एक समय ऐसा आया कि बिंदु का गलत कर्म में लीन हो गया, और वो बिंदु का गलत कर्म में लीन हुआ। शास्त्र कहता है कुछ समय हमारा बचपन अच्छा निकलता है, जवानी अच्छी निकलती है, पर कहीं अधेड़ी आते आते, बुढ़ापा आते आते हमारे पांव लड़खड़ा जाता है, हमारा जीवन बेकार। बुढ़ापा आए ना तो जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। तीन धनभागी हैं, तीन किस्मत वाले हैं। पहले नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन करा है बचपन से जवानी तक का। दूसरे नंबर पर हैं दशरथ जी, जिनके घर में राम जन्मे हैं, कितने किस्मत वाले होंगे। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जिसने मृत्यु के समय पर राम का दर्शन करा कि नहीं करा। तीन किस्मत वाले, पहले नंबर पर भीष्म पितामह, दूसरे नंबर पर दशरथ जी, और तीसरे नंबर पर गिद्धराज जटायु। ये तीन किस्मत वाले हैं। पर इन तीन किस्मत वालों में भी एक कोटि पुण्य भागी है, बड़ा किस्मत वाला है, और वो गिद्धराज जटायु है। क्यों? दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम को सामने पाया, ऐसी मुक्ति पाया है गिद्धराज। वो जीवन मोक्षमय बना दिया। क्यों? शास्त्र कहता है बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, क्योंकि बुढ़ापा बिगड़ गया तो जीवन नरक हो गया। सबसे अंतिम बिंदु है बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत कठिन है। बुढ़ापे का परम आभूषण मौन रहना। जितने बुढ़ापे में चुप रहोगे उतने सुखी रहोगे। मेरा सबसे निवेदन है, बुढ़ापा आए तो एकदम चुप हो जाओ। क्यों? पर नहीं रह सकते महाराज, खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं रह सकते। बुढ़ापा आए तो मौन होइए। बचपन में खूब बोले, क्योंकि बुढ़ापे में बोलने की आदत ज्यादा हो जाती है। क्यों? बचपन में खूब बोले तो माता पिता ने सुना, जवानी में बोले पति पत्नी ने सुना, अधेड़ी में बोले तो बच्चों ने सुना। पर बुढ़ापा एक ऐसा होता है जिसमें पूरे घर के लोग बोलते हैं और सुनना अपन को पड़ता है। इसलिए सुनने की आदत डाल लो, बुढ़ापे में बोलने की आदत मत डालो। बुढ़ापे में सुनो, जितना ज्यादा मिल जाए सुनने को सुनो। सुनो, बहुत कठिन है बुढ़ापा, बहुत कठिन। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। सिराने खड़ी मौत भी हंस रही है बुढ़ापा में। कि बचपन गवा दिया, जवानी गवा दिया, अधेड़ी गवा दी, और आया बुढ़ापा। इसलिए पापीड़ा रामुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरी भजना में, और जीवन गवाए दियो सजना। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन कहाँ निकाले। और गुरुजी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आला में, वो कहीं जाने हरी भजना। गुरुजी ने माला दी, वो भी उठा के धर दी, भजन बहुत। निवेदन है स्मरण, जैसे मेरे शिव राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, मेरे शिव कृष्ण नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम भी करते रहो। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।